की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। देखिए एज वाला क्वेश्चन आ गया, जनरेशन या फिर पीढ़ी के हिसाब से हम चीज़ें लिख लेते हैं। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन। देखिए अमन और क्या बात की है उसके सन के बारे में, तो अमन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे क्या आएगा, उसका अमन का सन आ जाएगा, यस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होंगी तो हम इसमें एड ऑन कर देंगे। देन ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। इसमें बस अमन और अमन का लड़का है, ठीक है, और कोई नहीं है, तो ठीक है, इसी में काम होगा। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो एज है उसके लड़के से 3 गुनी है, ठीक है। तो लड़के की एज पता होना ज़रूरी है, तो लड़के की एज को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब लिख लेते हैं यहाँ पे अमन की क्या एज हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी अपने लड़के की एज की, ठीक है। तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं, अमन की एज जो है, इस ओनली यहाँ पे सिंगल एज होगा, अमन की एज जो है 3 टाइम है उसके सन की, ठीक है। तो उसके सन को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स से, तो 3x हो जाएगी अमन की एज, 3x है मतलब अमन के सन की, एक्स मतलब अमन का सन, ठीक है। देन 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है। 10 साल पहले वो अपने सन का 3 गुना था, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 साल पहले मतलब और पीछे पहले जाना पड़ेगा ना, हमें 10 साल पिछले पहले जाना पड़ेगा। तो अमन माइनस का हम 10 कर देंगे, तो 10 साल पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। ही वॉज 5 टाइम्स, तब ये 5 टाइम्स था, तो एक्स जो था उसका सन था, ये भी 5 साल 10 साल पहले ये भी चला जाएगा, ठीक है। अमन देखिए क्या था क्वेश्चन, द 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स, सन भी तो 10 साल पहले ही जाएगा। अगर अमन 10 साल पहले जा रहा है तो सन को भी जाना पड़ेगा ना, अगर अदरवाइज यहाँ पे एक्स लिख लोगे तो ये प्रेजेंट एज में पहुँच जाएंगे दोनों। तो इक्वेशन को हमने अकॉर्डिंगली लिखा है जो क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अगर प्रेजेंट एज बतानी तो यहाँ पे अगर एक्स पता चल जाए हमें, तो उसके बाद अमन की भी एज पता चल जाएगी, 3 टाइम कर देंगे हम, अमन के सन की एज पता चल जाए एक्स, उसके बाद अमन की भी एज पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अमन की एज हमें यहाँ पे पता था, अमन इज इक्वल टू हमें पता था क्वेश्चन बना था 3 टाइम एक्स, ठीक है। तो अमन की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे दूसरी वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, फर्स्ट को 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अमन इज इक्वल टू 3x, अमन की जगह 3x रख दो, और माइनस का 10 है ही, 5x माइनस 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 10, 5x माइनस का 50, ठीक है। अब x वाले टर्म एक तरफ ले आओ और विदाउट x वाले टर्म एक तरफ ले आओ, 3x इधर आ जाएगा माइनस 5x, माइनस का 50 है ही, माइनस 10 इधर हो जाएगा प्लस 10, इधर आ जाएगा माइनस 2x, इधर आ जाएगा माइनस का 40, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 2 4 20 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। मतलब अमन के सन की एज तो हमें पता चल गई, किसकी है, अमन सन, ठीक है। अमन के लड़के की उम्र जो है 20 साल है, ठीक है। अब अमन की एज कितनी होगी, अमन की एज हमने स्टार्टिंग में लिखी थी 3 गुनी है उसके लड़के की, है ना। तो लड़के की एज कितनी आई है हमारी निकल के, एक्स
20 आई है, 320, 3 2 6, अमन की एज 60 हुई, अमन के लड़के की एज 20 हुई। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।